बेस्ट एक्शन मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग शायद देखा होगा या नहीं, आप देखेंगे और बहुत ही मजा आ जाएगा। इस मूवी का नाम है बम्बलबी और इस मूवी में सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर जॉन सीना भी है और इस मूवी में इनका नाम एजेंट जैक बर्न होता है। मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है साइबरट्रॉन, जो कि ट्रांसफार्मर का प्लेनेट होता है, जो कि इस पर जंग छिड़ी हुई है और इसमें हमारा ऑटोमैक्स प्राइम लड़ रहा होता है और ऑटोमैक्स प्राइम आर्डवर्ड का लीडर है, ये अच्छी ट्रांसफार्मर है और डिफ्सीकॉम जो बुरे ट्रांसफार्मर है। जब आप बम्बलबी आता है ऑटोमैक्स प्राइम उसे ऑर्डर देता है, तुम पृथ्वी पर जाओ, इंसानों की रक्षा करो, उनके अंदर एक अच्छा पहचान बना और यहाँ रहोगे तो मारे जाओगे और हम भी मारे जाएंगे, तुम यहाँ से जल्दी निकलो। अपने स्पेस से पृथ्वी की तरफ निकल जाता है बम्बलबी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है अर्थ की तरफ, 1987 का सीन को दिखाया जाता है और यहाँ आर्मी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ जॉन सीना को दिखाया जाता है, जो इन लोगों को मतलब इन लोगों का जनरल होता है, अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक मीटियोर आता हुआ अर्थ की तरफ, वो आकर जब गिरता है सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। वे जैक बर्न के सामने एकदम खड़ा हो जाता है बम्बलबी। तभी जैक बर्न देख कर डर जाता है, सोचता है ये क्या बला है। तभी ऑर्डर देता है इसे जल्दी पकड़ो। बम्बलबी भागने लगता है, आर्मी उसके पीछे पड़ी रहती है। तभी काफ़ी पीछा करके उसे टक्कर मार देते हैं, उसे गिरा देते हैं। जब सारे लोग उसे गिरा देते हैं, उसे अपने निशाने पर सारे लोग ले लेते हैं, तभी वहाँ एक जेट आता है, जेट फाइटर। तभी जैक बर्न सोचता है मैं तो एयरफोर्स को बुलाया भी नहीं, यहाँ मतलब एयरफोर्स किसने बुला दिया है। तभी उसे देखकर बम्बलबी समझ जाता है ये एयरफोर्स नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है डिप्सीकॉम जेट पर लगा था एक लोगो डिप्सीकॉम का, जो बुरे थे, जो कि बम्बलबी के पीछा करके वह आ गए थे और वहाँ पर एकदम फायर कर देते हैं। तभी अपने रियल रूप में आकर बम्बलबी को पकड़ लेते हैं, बम्बलबी को मारना शुरू कर देते हैं। बम्बलबी उसे भी मारता है, मगर उसके सामने बम्बलबी कमज़ोर पड़ रहा था, बहुत लड़ता है बम्बलबी उसके साथ। तभी बम्बलबी के गर्दन में से जो डिप्सीकॉम के थे बुरे ट्रांसफार्मर, बम्बलबी के गले में से उसकी जो आवाज़ होती है, मतलब उस तरह का पार्ट होती है, उसको निकाल देते हैं। वह अपनी आवाज़ पूरी मतलब प्रोबेबिलिटी खो देता है, उसकी आवाज़ चली जाती है, बोल नहीं पाता है। तभी बम्बलबी को मतलब मारने ही वाले थे, तभी किसी प्रकार से बम्बलबी वहाँ उन लोगों को मतलब लड़ता है, उन्हें मार देता है, बम्बलबी बच जाता है। तभी वहाँ बम्बलबी खड़ा होता है, तभी बम्बलबी की वार्निंग मतलब बम्बलबी को वार्निंग मिलती है मेमोरी से फेल, मतलब जो इसको याद थी वो सब ये भूल गया, या किस लिए आया है, या किस लिए इसे भेजा गया था, सब कुछ भूल गया था। और एक झील के मतलब एक झील लेक के किनारे वह गिर जाता है, वहाँ शट डाउन हो जाता है। शट डाउन होते होते एक कार को स्कैन कर लेता है कि उसमें हम ट्रांसफार्मर हो सकें, और इसके बाद सिस्टम उसका एकदम से शट डाउन हो जाता है। शिफ्ट होता है जो कि एक गर्ल को देखते हैं, इनका नाम चार्ली होता है, जो कि टीनेज थी और इनके फैमिली में से इतना इसकी बनती नहीं थी और इनके डैड का डेथ हो चुका था, इनकी मॉम है और लोग इसके परिवार में है जो इनको उतना नहीं बनती थी। और सीन यहाँ शिफ्ट हो जाता है जहाँ चार्ली काम किया करती थी, जहाँ जॉब करती है, और वहाँ एक इसका फ्रेंड होता है, दोनों केवल एक अच्छे दोस्त होते हैं, इनका नाम मेमो होता है। तभी चार्ली आती है ऑटो पार्ट शॉप एक कार, जहाँ पर कार के पार्ट रूट मिलते हैं। तभी वहाँ रिपेयर पार्ट में खड़ी होती है बम्बलबी, उसे देखती है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि ये रोबोट है, ये बम्बलबी है, बस उसे ये कार पसंद आ जाती है क्योंकि वो कार मैकेनिक भी थी, जो कि अपने फादर से सारी स्किल सीखी थी, उसको इसका कंडीशन अच्छा लगा, इसे रिपेयर करके वो चला सकती है, इसे मतलब इसी कारण ये इसे पसंद आ गई थी। तभी अंदर मतलब स्टेयरिंग पर बना होता है हार्डवर्ड का लोगो, इसे कंफर्म होता है ये बम्बलबी ही है। तभी इसे एक गलती हो जाती है, जब इसे स्टार्ट करती है तभी बम्बलबी के सिग्नल पृथ्वी से बाहर चली जाती है दूसरे ग्रह पर, जहाँ पर डिप्सीकॉम हार्डवर्ड को ख़त्म कर रहे होते हैं और वो लोग ऑटोमस प्राइम को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ दोनों डिप्सीकॉम
ट्रेस कर लेते हैं कि बम्बलबी कहाँ पर है। बम्बलबी शॉट डाउन होने के कारण उसका पता नहीं लग पा रहा था कि और दोनों भी पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं चार्ली अपने डैड की कार ठीक कर रही होती है पर ठीक नहीं कर पाती है, और उसके फादर की बहुत याद आ रही होती है और उस कार को निकालती है, उसे थोड़ा साफ करके वहाँ से रिपेयर करने के लिए लेकर चली जाती है। जब उसे रिपेयर करने की कोशिश करती है तभी उसके मतलब आंखें दिखाई देती है, बम्बलबी का फेस दिखाई देता है। जब उस पर लाइट मारती है तो वो बम्बलबी ऑन हो जाता है, तभी वो अपने पूरे ओरिजिनल फॉर्म में पूरा पूरा आ जाता है और उसे देखकर डर जाती है। और आपको पता होगा बम्बलबी सारी अपने याददाश्त भुला चुका था, अपना नाम भी नहीं पता था, यहाँ किस लिए आया था वो सब कुछ भूल गया था और यह एक बेबी की तरह हरकत कर रहा था। तभी कुछ देर के बाद दोनों एक अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं। तभी हम एक सीन देखते हैं जो कि पृथ्वी की तरफ एक और मिनिटोर आता दिखाई देता है और वो सीधे ट्रक के ऊपर लैंड करता है जहाँ पर सब कुछ एकदम नष्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा मिनिटोर उनके पीछे लैंड करता है और वहाँ देखते हैं बहुत ही अच्छी वाली रेसिंग कार आ जाती है और वे दोनों डेप्सी कौन ही थे और वे दोनों अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। वहाँ आते आते एक बंदे को भी मार डालते हैं, सब लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं जो कि उसका ट्रेस नहीं हो पा रहा था, उसका लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। वे न्यूज पहुँच जाती है जैक बर्ने के पास, कहता है कि चलो हम उन्हें टेक्सास जाके उन्हें पकड़ लेंगे, अब की बार वे बच नहीं पाएंगे। तभी जैक बर्न आता है टेक्सास के रोड पर जहाँ उन्हें लोकेशन मिली थी, पूरी आर्मी के साथ चला जाता है। जो उन्हें लोकेशन मिली थी वो सेफ्टी कॉम की ही मिली थी। वे उन्हें सामने से आते देखते हैं जो कि कार के रूप में थे, तभी सामने आकर रियल फॉर्म में खड़े हो जाते हैं और जो रेड वाली होती है वो फीमेल होती है। वो अपना दिमाग चलाती है, तुरंत एक प्लान बना लेती है जो कि बम्बलबी को गलत बताती है और वे लोग खुद गलत होते हैं, जो कि उनसे लड़ने की वजह आर्मी लोगों को अपने साइड कर लेती है। तभी उनसे डिमांड करती है कि आप अपना सेटेलाइट व्यू दे दो, जो कि आपको पता होगा सेटेलाइट व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आर्मी किसी को जल्दी नहीं देती है। एजेंट बर्न बिल्कुल मना कर देता है और जो वहाँ एक साइंटिस्ट होता है डॉक्टर फॉरवर्ड वो मान जाता है और जैक को भी कहता है कि हम अपने सीनियर से बात करेंगे फिर हम इन्हें दे देंगे। सोचता है कि ये तो हमारे मदद ही तो करेंगे और वे दोनों ट्रांसफार्मर भी वहाँ खुश हो जाते हैं। सेम सिर्फ होता है एक मीटिंग होती है जो डॉक्टर पावर होता है अपने सीनियर को मना लेता है और कहता है ये जो एलियन है हमें बहुत ही फायदा पहुँचा सकते हैं और तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं। तभी वे कहते हैं हम एक्सेस देंगे अपने सेटेलाइट का और सेम सिर्फ होता हेडक्वार्टर आर्मी। वे दोनों रोबोट अपने आप को सेटेलाइट को कनेक्ट कर लिया होता है और यहाँ सीन दिखाता है चार्ली का डॉग आता है और जो बम्बलबी होता है वो ट्रांसफार्मर में हो जाता है, खतरा महसूस करता है। तभी वे चार्ली को ढूंढने लगता है, तभी चार्ली को ढूंढते ढूंढते वो चार्ली के घर में आ जाता है, मतलब गैराज से निकल कर घर में आ जाता है और वे अनजाने बहुत सारा नुकसान भी कर देता है, इधर उधर कर देता है, उसके वजह से सब तहस नहस सब कुछ कबाड़ा कर देता है। तभी उसे एक गलती हो जाती है, उससे एक इलेक्ट्रिक शॉट हो जाता है और उसके बहुत तेज शॉट लगता है और सारा डेटा आर्मी हेडक्वार्टर चला जाता है, क्योंकि जो डिप्सिकॉम होते हैं वो उसे कनेक्ट किए थे, इसी कारण तभी उसे ट्रेस कर वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं बम्बलबी के लिए। यहाँ दोनों चार्ली और मेमो बम्बलबी के साथ कार में बैठ कर वहाँ से जा रहे होते हैं और यहाँ उन्हें आर्मी घेर लेती है। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ तुरंत अपने फॉर्म में आकर चार्ली को बचाकर भागने लगता है। वहाँ तभी वहाँ दोनों डिप्सिकॉम आ जाते हैं, दोनों आकर बम्बलबी को बहुत मारते हैं, उसे पकड़कर मार के उसे बेहोश कर देते हैं। जब बम्बलबी खड़ा होता है तभी आर्मी वाले उसे शॉट करके उसे बेहोश कर देते हैं और चार्ली बम्बलबी को टच कर देती है, वो भी वही बेहोश हो जाती है। और यहाँ से अलग सीन देखते हैं, दोनों डिप्सिकॉम ट्रांसफार्मर बम्बलबी को मार रहे होते हैं और उसे सब पूछ रहे होते हैं कि ऑटोमस प्राइम कहाँ है और ये कुछ भी नहीं बता पा रहा था। आपको पता है कि बोल नहीं सकता था, इसकी मेमोरी
भी नहीं है। वहाँ सब ये सब डॉक्टर फॉप खड़ा होकर देख रहा था इसके साथ क्या हो रहा है। इसको मारते मारते बम्बलबी को बेहोश कर देते हैं। तभी उसके अंदर से एक प्रोजेक्ट एटोमैक्स प्राइम का प्रदर्शित होता है। वही सारे बात को रिपीट करता है जो पहले कही थी, ड्यूसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरा है, इंसानों को ख़त्म कर देंगे। सारी बात डॉक्टर सुनता है और समझ जाता है कि तभी एजेंट बनने को कॉल करता है। कहता है हम लोग बहुत ही गलती कर बैठे हैं, ये लोग इंसानियत को ख़त्म करने आ रहे हैं। डॉक्टर पावर कहते हैं ये लोग अपना आर्मी बुला रहे हैं, कुछ करो। और वे ड्यूसी कॉम ट्रांसपोर्ट से वहीं पर मार देते हैं और वे दोनों बम्बलबी को मार के भाग जाते हैं वहाँ से। और उन्हें लगता है कि बम्बलबी मर गया है मगर वो बेहोश था। तभी वहाँ चार्ली मेमो आते हैं बम्बलबी को बेहोश, उसे जगाने के लिए कोशिश करते हैं, उसे इलेक्ट्रिक गन से शॉट करते हैं। बम्बलबी उठ जाता है और बम्बलबी वहाँ पर उठता है। तभी वहाँ पर आर्मी के लोग भी आ जाते हैं और पूरी जगह को बम से ब्लास्ट कर देते हैं और कुछ समझे बुझे बिना बम्बलबी पर फायर कर देते हैं और बम्बलबी को घसीट कर लेकर जाने लगते हैं। बम्बलबी ने कुछ भी नहीं करता है, वो बस चार्ली को देख रहा था और चार्ली को बचाने की कोशिश करता है। तभी जैक बर्न चार्ली को साइड में फेंक देता है और ये देखकर बम्बलबी को गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखें पूरा लाल हो जाती है। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और आर्मी पर हमला कर देता है, एकदम सब पूरा का पूरा नुकसान कर देता है। जब बम्बलबी को चार्ली देखती है तो उसकी आंखें ब्लू हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो जो टावर देखते हैं जो दोनों सेफ्टी कॉम तैयारी कर रहे थे अपनी आर्मी को मैसेज भेजने के लिए, बुलाने को। तभी बम्बलबी आता है और चार्ली को एक बॉक्स में छिपा देता है ताकि सेफ रहे, और बम्बलबी उनके टावर पर फायरिंग कर देता है। तभी ब्लू वाला ट्रांसफार्मर बम्बलबी पर हमला कर देता है, उनके बीच बहुत ही लड़ाई होती है। इन लड़ाई के बीच चार्ली भी गिर जाती है और चार्ली भी इंजर्ड हो जाती है। और चार्ली भी सोचती है कि मैं भी बम्बलबी की मदद करूँ, वो भी भागती है मदद के लिए बम्बलबी के लिए। तभी उनके बीच लड़ाई चल रही होती है, तभी चार्ली भी कोशिश कर रही होती है। तभी वे रेड वाली रोबोट अपना काम कर रही होती है, तभी हेलीकॉप्टर से उस पर हमला होता है जो कि जैक बर्न। और उधर बम्बलबी बड़ी मुश्किल से ब्लू वाला को चैन में बांध कर मार डालता है। तभी एजेंट बर्न का हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था और बम्बलबी उसे देख लेता है, जाके उसे बचा लेता है। तभी ये सब देखकर वो एजेंट बर्न समझ जाता है ये अच्छा वाला है। चार्ली होती है फाइनली टावर पर चढ़ जाती है और जो पावर सप्लाई होती है जिससे वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है और उसके बाद उसको निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ जो रेड वाला डिप्सी कॉम आती वहाँ आ जाती है। तभी चार्ली के ऊपर फायरिंग करने ही वाली होती है, तभी बम्बल भी उस पर शूट कर देता है और नीचे आके गिर जाती है। पावर भी उसके बीच बहुत ही डेंजर फाइट होती है और चार्ली उस पावर को भी निकाल देती है और उसके वजह से प्रोसेस फेल हो जाता है और फेल के वजह से सब कुछ रुक जाता है। यह सब देखकर रेड वाला डिप्सिकॉन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बम्बल बी को बहुत मारती है और उसका मुकाबला बम्बल बी नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही पावरफुल होती है और बम्बल बी को मारने वाली ही होती है। बम्बल बी एक उसके पीछे एक वाल पर शूट कर देता है और डिप्सिकॉन को समझ में नहीं आता है ये पीछे क्यों शूट मतलब कर रहा है, पीछे किया है। तभी वो डैम होता है जिस वजह से वो पानी का डैम फट जाता है। बम्बल भी उसे पकड़ लेता और बहुत सारा पानी आता है डैम में से निकलने लगता है और दोनों को डुबो देता है और बम्बल भी नीचे डूब जाता है और डिप्सिकॉन किसी चीज़ में फंस जाती है और डूब जाती है, डूबते हुए मर जाती है। उसके बाद चार्ली पानी में आती है, बम्बल भी के पास आती है और बम्बल भी नीचे पड़ा होता है। तभी दोनों बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं उनके सामने एजेंट जैक बर्न आ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ से निकलो क्योंकि हमारा टीम आएगी इसे पकड़ कर ले जाएगी। और थैंक्स बोलकर वहाँ से चार्ली और बम्बलबी वहाँ से चले जाते हैं।